हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस फॉर द ईयर 2021-22 डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। और ये नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए भी है सिलेबस फॉर क्लास 11th, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से भी बताऊंगा, ठीक है, और जो टॉपिक्स हैं हर चैप्टर्स के अंदर वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज, अब अपनी जो एनसीईआरटी बुक है 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक, ठीक है, उस हिसाब से देखो यार, टोटल पाँच यूनिट है। पहली है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तीसरी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, देन प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। अब ये पांच यूनिट्स में टोटल चैप्टर हैं 22, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो यूनिट वन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें चैप्टर वन है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर टू है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद यूनिट टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, में चैप्टर फाइव मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर सिक्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड चैप्टर सेवन दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट थ्री पर, यूनिट थ्री उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है अपनी यूनिट थ्री, है ना। उसमें चैप्टर एट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नाइन बायोमोलिक्यूल्स, एंड चैप्टर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भाई यूनिट फोर, यूनिट फोर है प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, तो उसमें चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद आ जाता है यूनिट 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, है ना। चैप्टर 19 है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ पर इजेशन के बारे में पूरी प्रोसेस है, इजेशन, राइट। ये जो है वो डाइजेशन हो गया अपना, है ना। ये यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ब्रीदिंग आ गया इसमें, है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है, जैसे अपन ने टेंथ में पढ़ा था ना, लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद है चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ओके। तो टोटल है 22 चैप्टर्स, टोटल यूनिट्स हैं 5, है ना, और टोटल चैप्टर हमें जो पढ़ने हैं वो हैं 22 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, देखो आगे है हमारे स्लाइड हैं, इसमें अपना हर चैप्टर के टॉपिक्स, उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यूनिट वन है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हमारा चैप्टर वन था द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो ये हैं, व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन्स, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो ऐसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4,
और उनके ये सब टॉपिक्स, यानी मतलब चैप्टर में टॉपिक्स, ठीक है? तो देखते जाओ। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।